फिलहाल खेड़ी चौकटा मौजूद हाँ। और जिस तरीके का अपना पता चलिया भाई, ये करीब 1.5 साल पहले 47 दिन तक एक ऐतिहासिक धरना यानी पहली बार आजादी के बाद एक प्रशासनिक भवन बंद रखा। और फिलहाल जिस तरीके से आंदोलन 13 फरवरी की जो दिल्ली कूच की कॉल थी, सारे के सारे बॉर्डर प्रशासन द्वारा सील करेंगे, बैरिकेडिंग लगाएगी, कील लगा रखी है। और जिस तरीके से प्रशासन की तरफ से जहरीली गैस के गोले, आंसू गैस के गोले और छोटी छोटी प्लास्टिक की गोलियां, और शंभू बॉर्डर पर एक सरदार जी बैठे थे, उन्होंने सबूत दिखा था, SLR का एक खाली खोल भी मिला, यानी जिस तरीके का गोलियां प्रशासन द्वारा चलाई गई। और एक ज्ञान सिंह किसान है जो गुरदासपुर के चाचोका गांव के रहने वाले हैं, उनकी मौत भी हुई है, आंसू गैस का गोला 13 तारीख ने उनका लगा था, हॉस्पिटल में ले जाए गए, परसों उनकी मौत भी होगी, यानी किस किसान आंदोलन की पहली मौत भी हो गई। फिलहाल विकास ईश्वर है, अजीत जी धनाणा ते हैं, यानी इसार बीमारी और तमाम जिले के किसान आज उधर अधूरे इकट्ठा हुए हैं। और कल भी हजारों की संख्या में भाई विकास ईश्वर जो है पहुंचे थे SP और DC से बातचीत करने के लिए, और काफी बड़ा जुम था। और 4 जो साथी थे, एक पंजाब का है, 3 हरियाणा के अक्षय नरवाल है, एक भाई रविंदर मदीना का है, एक कोल कराड़ गांव का है। तो भाई साहब राम राम। आज जो भीड़ इकट्ठा हुई है कि कुछ फैसला देश को इसलिए आज मीटिंग है। देखिए मीटिंग ये एक पंचायत टाइप की मीटिंग है, इसकी एक पहली बात तो ये किसी एक संगठन का नहीं है। अच्छा, ये पंचायती टाइप का है, ये किसान अपने आप इकट्ठे हुए हैं, और ये इकट्ठा होने का मुख्य मकसद ये है कि सरकार हमारे किसानों के ऊपर ड्रोनों से हमला कर रही है, गोला बारूद चला रही है, गोलियां मार रही है, केमिकल डाल के उसके अंदर आंसू गैस के अंदर केमिकल, जिसको आप जैविक हथियार भी बोल सको, ड्रोन का उपयोग विदेशी ताकतों के खिलाफ कराया जा सके है। अपने ही देश के नियत नागरिकों के ऊपर हिंदुस्तान में पहली बार ड्रोन से हमले किए जा रहे हैं। हमारे नौजवान साथियों को जेल में डाल दिया गया है, उनको खालिस्तानी बताया गया, उनके ऊपर 307 तक के मुकदमे दर्ज कर दिए गए हैं। और जो बात केंद्र सरकार ने ओटी थी कि MSP हम देंगे, उसके ऊपर कानून बनावांगे, जो बात उन्होंने घोषणा पत्र में ओटी थी कि हम कर्ज मुक्त करांगे, उन बातों के ऊपर आंदोलन चल रहा है, उन किसानों की मांग को नहीं माना जा रहा। इन सारी बातों को लेकर के हरियाणा के किसान खेड़ी चौपटा में इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि सरकार ये कह रही थी कि हरियाणा का किसान इस आंदोलन में नहीं है। अभी खेड़ी चौपटा की यह भीड़ ये बता रही है कि अगले कुछ घंटों में, अगले कुछ दिनों में, अगर सरकार ने हमारी सारे भाइयों को बाहर नहीं कराया, अगर सरकार ने MSP के ऊपर कानून नहीं बनाया, अगर सरकार ने पंजाब के किसानों के बॉर्डर पार नहीं करने दिया, तो कुछ न कुछ खेड़ी चौपटा के धरने से बड़ा होने वाला है। और ये बड़ा क्या होगा, इसके ऊपर सारे जो प्रतिनिधि आए हैं सबसे चर्चा करके आपको शाम तक पता चल जाएगा। लेकिन ये जरूर है, हम किसी भी रूप में सरकार से पीछे नहीं हटेंगे, सरकार को झुका के मानेंगे, हम ऐसा हमने पहले भी करके। विकास भाई, 3 दौर की बातचीत हो रही, 3 बातचीत नतीजा रही, और आज फिर मतलब 4th दौर की बातचीत हो रही है। जो केंद्र के मंत्री है वो ये कह रहे हैं अगर MSP का त्रियो यानी स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक अगर MSP लागू करे हैं और किसानों की जो कर्जा माफी की बात हुई है, तो सरकार के ऊपर 40 लाख करोड़ का और बोझ आवे है, ये केंद्र के मंत्री बोलने लगे। देखो आज भी देश के ऊपर 205 लाख करोड़ रुपए कर्जा है, और जब मोदी सरकार आई थी जब 50 लाख करोड़ रुपए कर्जा था, इनके किसान ने MSP दे दिया, इकड़ तक हो गया देश के ऊपर कर्जा। हरियाणा की बात करूं तो 4 गुना कर्जा, 180 हजार करोड़ रुपए कर्जा हो रहा है, जब सरकार आई थी 50 हजार करोड़ रुपए कर्जा था। ये जो पैसे की बात जो कर रहे हैं, केवल लोगों को भ्रमित करने के लिए कर रहे हैं, कोई बड़ा बजट नहीं है। 25 लाख करोड़ रुपए उद्योगपतियों के माफ हो सके हैं, तो क्या 17 लाख करोड़ रुपए खर्च करके सरकार केंद्र की सरकार MSP किसानों को नहीं दे सकती? और जो पैसा जो किसान के पास आवा है, देश की अर्थव्यवस्था को अगर कोई चलाता है, छोटे छोटे पढ़ा भी होगा आपने भी कि कृषि प्रधान देश है, जो भी पैसा किसान के पास आवे, चाहे 10 रुपया हो, लिक्विड मनी बोलते हैं अर्थ की भाषा में उसको, लिक्विड मनी होगा, जो किसान के पास पैसा होगा ना, बाजार में जाओगा, सीमेंट खरीदेगा, शरिया खरीदेगा, कपड़ा खरीदेगा, जूता खरीदेगा, कहने का मतलब क्या है कि ये किसान को आगे करके उसको बदनाम कराया जा रहा है। जो पैसा किसान का घर में होगा वो पैसा सबका पेट भरेगा, चाहे व्यापारी है चाहे मजदूर है, और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा। ये आंकड़े देखे तो केंद्रीय मंत्री केवल भ्रमित करने का काम करें देश की जनता को, वरना ये छोटी ही बात है। एक मंत्री का ये भी बयान आ गया, अगर यू किसान आंदोलन है तो इसमें EVM का मुद्दा क्यों जोड़ दिया, किसानों ने EVM मतलब ना इलेक्ट्रॉनिक की मांग क्यों वो कर दी?
देखो हमने किसने जोड़ा वो तो केंद्रीय मंत्री बताओगा। किसानों ने अपनी 12 मांग रख रखी है और उन 12 मांगा मत प्रमुख 3 मांग है, MSP की और कर्ज मुक्ति, 2 तो प्रमुख मांग है। उनके अलावा जो नीचे की जो मांग है सरकार उनके ऊपर चर्चा करिए, हम ऊपर की मांग के ऊपर चर्चा करें। और बात भी यहीं अटकी हुई है, 2 रफी बात है, MSP दे दो कर्ज मुक्ति करते हो, 2 ये बात है। बाकी जो सारी चीज है और जो लड़ाई है उनके ऊपर किसान समझौता करने खातिर भी तैयार हो जाएगा। 2 चीज दे दो किसान ने आज तक नहीं मांग दिया, हम सालों से मांग रहे हैं। केंद्र के मंत्री केवल जनता को बड़ी मीडिया के माध्यम से भ्रमित करने खातिर इस प्रकार की बात फैलाए हैं। किसानों का फोकस पहले भी MSP और कर्जा मुक्ति के ऊपर रहा, आज भी MSP और कर्जा मुक्ति के ऊपर है, भविष्य में भी MSP और कर्जा मुक्ति के ऊपर रहा। चलो विकास भाई धन्यवाद, कुछ कहना चाहोगे आप भी वाणी जिले से आए हो। आपने एक बात की 40,000 करोड़ रुपया का कर्जा हो जाएगा के? क्यों भाई, मैं मान लिया शहर में जूते खरीद लिया, दुकान खोल लिया, 10,000 के जूते लिया, मैं 15 का बेचू को नहीं ये दाणी ले बेचे को नहीं छेड़ाऊंगे इन्हें, फिर वो 40,000 करोड़ क्यों कमाई, उसकी कीमत बेचो अभी घटाओ 54 रुपया में 52 संभली थी भाई सरकार ने, और 84 से बेची 46 और 47 में धान लिए थे 52 का वहां बेच रखे हैं जीवी उसते ही मिलते ही वो कमाने लग रहे उन्हें कौन फड़ा दिए, वो जो ले हुए हमारे पास उसने बेचते भी होंगे आगे, वो हमारे गुजड़े में गिर जाए हैं, झूठ बोल रहे हैं बिना काम भ्रमित करे देश में। सुन लिया मेरी बात, यू किसान है यो, इसने पहले कुर्बानी दी, पहले लड़ाई लड़ी, ई पी लड़ेगा और आजादी हमारे पास में रखेंगे, इनके अधीन को नहीं हुआ, इसका अच्छा तो अपना परलोक सुधार जवाए जिंदा रहेंगे तो आजाद रहेंगे। जय हिंद, जय किसान, जय भारत, जय भाईचारा। धर्मपाल बडाला जी अपने साथ हैं, प्रधान जी राम राम। राम राम सर, आप भी बुजुर्ग हो, आपका काफी तजुर्बा रहा है, आंदोलन की बात करा, पंचायत की बात करा, अगर इंटरनेट की बात करा तो आज 8वां दिन है, इंटरनेट सेवाएं बंद है, बड़का की पढ़ाई भी मतलब उनमें भी बहुत दिक्कत आई है, के साबित करना चाहो सरकार? आप केवल इंटरनेट की बात कर रहे हैं, इस सरकार ने लोगों का आम रास्ते पे आने जाने का जो अधिकार था वो भी छीन लिया है बिल्कुल, और इसको आज हम एक संज्ञा दे सकते हैं कि इस देश में हिंदुस्तान में प्रजातंत्र का कत्ल हो रहा है, और हम खापों की धरती पर बसने वाले लोग इस बात का ऐलान करते हैं कि भाई अन्याय हमने किसी का नहीं सहा, और आज भी इस अन्याय के खिलाफ पंजाब के किसान भाइयों ने सब किसानों की मांग उठाई है, उस मांग का समर्थन करते हुए हमारी लड़ाई केवल इस बात की है कि उनके मौलिक अधिकार हैं, उनका हनन होने नहीं दिया जाएगा, और हम आज से इस आंदोलन में पंजाब के किसान भाइयों का आंदोलन में अपनी सक्रिय हिस्सेदारी की घोषणा करते हैं। हम मूक दर्शक नहीं रह सकते, मूक दर्शक बन के देखते रहवा के सरकार क्या कर रही है। 3 दिन पहले बड़ी अजीब बात होगी, कल ही शाम ने जो 3 दिन पहले की घटना थी उसके ऊपर DC ऑफिस जींद, वही SP का ऑफिस, हिंदुस्तान की 3 माँ कह लो, 3 जिसके बेटे थे वो माए सीधी गुहार लगा रही थी के SP साहब ये बता के मेरे मारे बेटे का जुलम के है, तने क्यों गिरफ्तार कर रखे हैं? उनका जुलम अगर है तो केवल ये है कि वो आंदोलन में, किसान आंदोलन में हिस्सा लेने के लिए गई थी। और बड़े दुख की बात यह है, आपको बताऊं मैं दलाल साहब, बड़ी हैरानी की बात है, उनमें से एक लड़का नरवाल, अक्षय नरवाल, वो उस प्रतिनिधि मंडल में था जो मंत्रियों के साथ बैठक कर रहा था। हाँ, ये क्या है, ये क्या दिखाता है कि देश में प्रजातंत्र नाम की कोई चीज नहीं रही, और हम खापों का अंदर बसने वाले लोगों ने केवल इस बात का झंडा उठा लिया है कि भाई पंजाब के भाइयों ने हरियाणा के मह को दिल्ली जाने का रास्ता हम करेंगे, पहले हम चलेंगे दिल्ली जावांगे, कोई रोक नहीं सकता, किसी में कोई ताकत नहीं है, यही बात मैं कह रहा हूं। धन्यवाद विकास भाई, एक चीज और पूछेंगे, जिस तरीके से अक्षय नरवाल उसकी कुछ फोटो आई है कि जिस तरीके से चंडीगढ़ में बैठक हुई है, मीटिंग हुई, उसमें भी अक्षय नरवाल मौजूद था? बिल्कुल, अक्षय नरवाल की फोटो है, उसका नेम प्लेट है, और मुख्य साथी है, लगातार कई सालों से पूरे देश में घूम के किसानों की लड़ाई लड़ रहा है, और उसको भी अंदर डाल दिया गया है। ये यहाँ से पता चलता है कि सरकार के 2 मुंह हैं, एक तरफ तो बातचीत करिए,
दूसरी तरफ हमारे युवाओं को अंदर डाल रही है, उनके ऊपर खालिस्तानियों के नारे लगाने की, पुलिस के ऊपर गाड़ी चलाने चढ़ाने की इस प्रकार की धाराएं कि हथियार बरामद हुए हैं। अरे कदे अक्षय नरवाल तो वो भाई है जिसने शहीद भगत सिंह की समाधि के ऊपर या सरकार तो LPG जो प्रदूषक होते हैं उनकी वाजोत चढ़ा रही थी। हरियाणा में 330 मण घी इकट्ठा करके न वाजोत चढ़ा, आज भी गवाही है जो अखंड भारत के लिए कार्य कर रहे हैं उनको आतंकवादी कहना, खालिस्तानी कहना ये कहां तक उचित है? ठीक है भाई जी, धन्यवाद। तो भाई फिलहाल खेड़ी चोपटा की आप तस्वीर देखने लग रहे हो, जिस तरीके से जो बातचीत आई है इनमें आपका क्या कुछ मानना है, आपने अपने सोच विचार जरूर देने हैं। ठीक है भाई जी, धन्यवाद।